ये हमारा ओला का स्कूटर सर्विस करके आया है। 13 अगस्त 2024 को हमारे ओला S1 प्रो स्कूटर का डिस्प्ले ख़राब हो गया था, जो हमने टेम्पो करके स्कूटर को ओला सर्विस सेंटर मलाड़ में भेजा। उसके बाद हमने 100 से 200 फ़ोन किया पर हमें कोई जवाब नहीं मिला। उसके दरमियान 5 से 6 बार सर्विस सेंटर में जाकर भी आए, वहाँ मिस्टर सौरभ और मिस्टर आदित्य का कोई भी सही से रिप्लाई नहीं दे रहे थे, वो लोग एक दूसरे पे डाल रहे थे। फाइनली 24 सितंबर को स्कूटर हमारे यहाँ भेजते हैं, जिसकी कंडीशन, जिसकी हालत आप देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से। मेरा तो यही कहना है कि ये लोग देने के टाइम पे बहुत ही बड़ी बड़ी बातें करेंगे, इनकी बातों में कोई भी ना आए। इनका सर्विस बहुत ही ज़्यादा घटिया है, तो आप 1.5 लाख रुपया लगाकर ऐसा स्कूटर ना खरीदें, जिससे आप, इससे अच्छा आप पेट्रोल वाली कोई भी गाड़ी ले लीजिए। पूरा खुला हुआ है देख, जो आपको कहीं भी दिक्कत आए तो भी सर्विस आसानी से हो सके। मेरा तो कंपनी के साथ बहुत ही बैड एक्सपीरियंस है, हमने जो गलती की है ओला स्कूटर खरीद कर। आपको भी देने के टाइम पर बहुत सारे कॉल करेंगे, वही सर्विस के टाइम पर आपका एक कॉल भी रिसीव नहीं करेंगे। ये हमारा बैड एक्सपीरियंस है कंपनी के साथ।